गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। रिसेंटली 1700 फॉलोअर्स एंड 1500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए यूट्यूब पे, एंड इट वुडंट बी पॉसिबल विदाउट यू गाइस। सो बिग थैंक यू टू यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, जस्ट मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ। आप लोगों को एक फन फैक्ट बताता हूँ, अभी जो मैं ग्राउंड के पास आया वॉकिंग करने, का नाम है DSF स्पोर्ट्स फाउंडेशन। एंड आप लोग वहाँ पे देख रहे हो उधर क्रिकेट की ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। 7th ग्रेड में जब भी मेरा मोटापा चालू हुआ था, यू गाइस 10th के तक आई वाज 130 किलोस राइट, तब भी मेरे डैड ने मेरे को यहाँ पे भर्ती कर दिया था अलोंग विद मेरे स्कूल का बेस्ट फ्रेंड तनिष। आई रिमेम्बर कि यहाँ पे शाम को आके हम लोग कुत्ते जैसा भागा करते थे, क्योंकि हम लोगों का जो कोच था बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। सो ये जो पूरा राउंड ट्रैक है, हम लोगों को 10 से 20 राउंड मारने पड़ते रहे। Oh lol, look at this guys. मेरे को इनको पेट करने का बहुत मूड है, बट व्हाट इफ दे आर रियल? ओके, इसने अभी जस्ट मोन किया, तो कुछ तो किया। या नेवर माइंड, मेरे को रेबीज हो जाएगा। इफ स्वॉन्स बाइट यू, डू यू गेट रेबीज? या मेरे को नहीं मालूम, प्लीज डू नॉट कंसीडर मी डम ये चीज की वजह से। तो या अभी बस मैं यहाँ पे वो यू गाइस मस्ट हैव सीन वो इडली वाली प्लेस, वो लेने आया था। हाँ भैया, 5 प्लेट इडली और 3 प्लेट डोसा पास। आज रेस्ट डे है। तो हम लोगों का ओरिजिनल प्लान ऐसा सेट कि 8 बजे मिलने वाले ना हम लोग। हुआ क्या वो टाइम पे मेरे कैमरा की थोड़ी सेटिंग्स बिगड़ गई, मेरा एक एसडी कार्ड करप्ट हो गया माल है, बट या मेरे कैमरा में कुछ तो झोल चल रहा है। बेसिकली जो इमेज रहती है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज हो रही है, तो जो हम लोगों को फोटो खींचनी थी आज वो थंबनेल के लिए कल सुबह लेनी पड़ेगी। बट ये कल सुबह निकल रहा है। किधर जा रहे तू? धर्मशाला जा रहा हूँ, बेसिकली 7 डेज ट्रैक है, तो इधर से दिल्ली से बाय बस या कार हम लोग जा रहे हैं। 7-8 दिन तक मेरे पास कोई कैमरा मैन रहने वाला है नहीं। अभी एक फाइनल रेस्ट डे का व्लॉग सोचा इसके साथ शूट ही कर लूं। राइस केक्स है क्या? आज रेस्ट डे राइट, समय थोड़ा चीट मील टाइप खा रहा हूँ, एक प्रोटीन। ओह डैम, ए आदि यहाँ पे मैक्स प्रोटीन के बार्स है, नेक्स्ट टाइम लूंगा। ओह डैम, ये वाला फ्लेवर भी है। ये मेरे को एग्जाम्स के पहले खा के जाना पड़ेगा, बिकॉज 3 घंटा कुछ भूख लगने वाली है मसाले। अरे अभी ये ले रहा हूँ मैं, और इसके साथ राइस केक लूंगा। कुछ वियर्ड सी चीज देखिए यहाँ पे, लुक एट दिस आदि, ये देख ये बड़े। इससे 2 पैकेट मूसली लिया, एंड उसी के साथ साथ थोड़ा और कैफीन मॉन्स्टर वगैरह वो सब इसके ट्रिप के लिए। सो आनी का ना, आई टेल यू गाइस सम मेन इंग्रेडिएंट्स। एक तो नंबर 1, जिससे कि वो ब्राउनी स्वीट बनेगी, इस जस्ट कीटो फाइव का आर्टिफिशियल स्वीटनर। उसके साथ साथ 1.5 चम्मच कोको पाउडर, देन उसके बाद बेकिंग सोडा, एंड देन प्रोटीन पाउडर। मैं उसका नाम न्यूट्रा बेक का, जो कैफे मोका फ्लेवर है वो, बस ये मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है। और अभी ये सब को मिक्स करेंगे, एंड इसके बाद इसके अंदर पुट करने वाले हैं अबाउट 80 ml ऑफ स्किम मिल्क। इससे जो थिक जूसी टेक्सचर है वो मिलेगा। अभी 4:30 हुआ है, तो मेरा फास्ट अभी कुछ थोड़े टाइम आधे घंटे में चालू होगा, अगले सुबह 9 बजे तक, बिकॉज मैं सुबह कार्डियो करता तो उसके बाद भूख लगती है, एंड एट द सेम टाइम मेरे को इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करना है, बिकॉज वो चीज ने प्रूव किया कि फैट लॉस होता है, इसी के साथ साथ आपका डिसिप्लिन भी बढ़ता है। जब भी ऐसा होने लगा, जस्ट स्टॉप इट एंड पुल इट आउट, दैट्स व्हाट शी सेड। बट या दिस इज माय फेमस प्रोटीन ब्राउन। सो जो
आप लोगों ने अभी टाइम लैप्स देखा, दैट वाज मी क्लीनिंग माय रूम, क्योंकि मेरा कैमरा वेल दो बैटरीज घूम गई थी और एक में बैटरी थी नहीं। सो रिया के साथ जी मीट पे रूम भी क्लीन हो गया एंड उसी बहाने वो बैटरी भी मिल गई। और अभी आधी के लिए रुके हम लोग क्योंकि ऐसा सेट कि शाम को वॉक पे जाने वाले थे, बट आर्श का मैसेज आया कि आनंद नगर में जहाँ पे मसल फैक्ट्री का जिम है उधर एक सैलेड वाला खुला है, ऑब्वियसली हाई प्रोटीन सैलेड बट इट्स वेज, बट वो बोल रहा था कि वो नॉन वेज से अच्छा है, नो वेज फूड इज बेटर देन नॉन वेज। दिखने में तो बहुत ही ज्यादा फिलिंग लग रहा है। अबाउट इसमें कितना कितना कैलोरीज रहेगा? 400 इसमें से स्प्राउट्स वगैरह सर, पनीर है ये सब चीज़ है। सो फर्स्ट बाइट करिए आज। इसमें मंचाओ सूप डाला तो उसकी वजह से और सही लग रहा है। चलो हम लोग ये खाते हैं, आप लोगों को बाद में मिलता हूँ। आ रहे आने वाले शाम को दोस्तों मिल रहे हैं। वो सैलेड मेरे से पूरा खत्म हुआ नहीं क्योंकि वो वेज था फर्स्ट ऑफ ऑल और बहुत हैवी था, लाइक आराम से 100 ग्राम स्प्राउट्स थे उसमें एंड कॉर्न एंड बहुत सारा सूप एंड वो सब। तो मैंने एक गेटोरेड लिया जस्ट टू यू नो ड्रिंक समथिंग। ले पी ले थोड़ा। ब्रो क्या ब्यूटीफुल स्काइज है, इतना सही लग रहा है, लाइक ओ माय गॉड। मेरे को ये वीडियो का टाइटल मिल गया आई गेस। मैं पहले इसको टाइटल करने वाला था रेस्ट डे इन द लाइफ विद आर्या, अभी टाइटल करूंगा सिनेमैटिक सनसेट्स पार्ट 2 या समथिंग लाइक दैट। क्या एपिक सनसेट आया आज, लाइक लुक एट दिस, कितना कितना प्रिटी लग रहा है। मैंने सोचा कि अर्श को मेरे जितने भी थंबनेल के फोटो थे वो सब पेज एडिट करने के लिए, बिकॉज इसका फोटोशॉप बहुत अच्छा हो रहा है एंड नॉट दैट टाइप ऑफ फोटोशॉप की मसल मास ऐड करना वगैरह, बट ये देखो ये जो फोटो अभी ली हम लोग ने इसका आपको एंड प्रोडक्ट बता रहा हूँ। सो ये बिफोर पार्ट है एंड देन अभी आफ्टर, लाइक डैम कितना सही एडिट किया है। मेरा एक और फोटो भेजा है जो ईटिंग एंड ट्रेनिंग लाइक साकेत गोखले का वीडियो था, उसका जो थंबनेल का फोटो है वो भी इसको भेज के रखा मैंने। लेट्स सी वो कैसा होता है। साहब अर्जुन भाई कैसा है ब्रो? नाइस ट्राइपॉड यार, कौन सी कंपनी का नहीं मालूम। मैं नजदीक के इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गया, उनको बोला सबसे सस्ता ट्राइपॉड दो, कितने का हुआ? 300। ओ डैम, पर अच्छा है रे, मतलब बहुत अच्छा है। मैंने ब्रांडिंग छुपा दिया सब, इट सेड जे मैरी। फिल्टर लगा है ना तो कैमरा पे? नहीं कैमरा पे लेंस प्रोटेक्टिव लगा है, मेरा 10R गिर के टूट गया था, तो ये सेम चीज नहीं करनी है। आर्या और अर्श अभी ऊपर वॉक कर रहे हैं, मैं हाथ धोने आऊँ बिकॉज मेरे को मेरा पूरा चिकन सैलेड हाथ से खाना पड़ा एंड मेरा पोस्ट वर्कआउट पोस्ट कार्डियो मील रह गया उधर। ओह एंड मेरा और आर्या का ट्रेनिंग का प्लान थोड़ा पोस्टपोन हो रहा है बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ शूटिंग दिस वीडियो मेरे एग्जाम्स ऑन गोइंग है, थोड़े ही बाकी है, बट आज से चैनल पे रेगुलर अपलोड्स वापस से चालू हो रहा था। सो प्रीटी श्योर नेक्स्ट ट्यूसडे या नेक्स्ट फ्राइडे तक हम लोग बैक वर्कआउट मार लेंगे। आर्या नेक्स्ट अपना वर्कआउट कभी दादा, फिर अपना जो प्लान बना हुआ अगर इनिशिएट होता है तो देखता हूँ मैं, क्योंकि ना आई हैव बीन स्पीकिंग टू हिम फॉर अ फ्यू डेज, उसका वो बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सरप्राइज रखते हैं, तो उसका वो बॉडी बिल्डिंग के प्रेप के वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम है, बट लेट्स सी। अगर वो जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो इनिशिएट हुआ तो बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट दिखने में आ रहा आप लोगों को। चल मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीक तो कल मिलने वाले हैं, वैसे भी कल अपने को फिल्म करना है, अपन बोल नहीं सकते कि क्या। चल चल बाय बाय।